मैं मुखी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग डॉक्टर अमर मैनी अज तुहाडे नाल रूबरू इसलिए हो रहा कि जिहड़ी साडी इंजीनियरिंग विंग की जिहड़ियां साडियां नवें मापदंड ने कि तां सारे ही समाज के बच्चों के नाल ते माता पिता नाल आपां शेयर कर सकीए। साडे देखो पहला इत्थे चार ब्रांचां ने, एक हैगी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग, मकैनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ते इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। पहला साढ़े सारे ही दाखले जेई मेन की मैरिट के आधार पर किए जाते सन, बट COVID-19 की जिहड़ी स्थिति है वो बहुत ही अनसर्टन हो गई है। हले कोई किसी को पता नहीं चल रहा कि जिहड़ा जेई मेन का टेस्ट है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सारे ही माता पिता अचनचेत ने कि साढ़े बच्चे के भविष्य का की होएगा। सो ये सारिया स्थितियां देखते हुए बहुत सारी यूनीवर्सिटिया ने, तो उस तरह से ही पंजाबी यूनीवर्सिटी ने भी वाइस चांसलर साहब की अध्यक्षता हेठ फैसला लिया कि आप इस साल के 2020 जोड़े दाखले ने वो प्लस टू की मैरिट के आधार पर करिए। सो इस लड़ी के तहत सारिया ब्रांचा ने यह फैसला ले लिया कि साढ़े जोड़े इस साल के दाखले ने वो प्लस टू के अंकों के आधार पर होगा। बट जी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इतने जोड़े मापदंड ने थोड़े वक्रे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फिजिक्स मैथमैटिक्स का कंपलसरी सब्जैक्ट ने, तो जो तीजा सब्जैक्ट है वो कमिस्ट्री या अपने को भौतिक विज्ञान या AICTE वालों जिन्हें भी होर सब्जैक्ट दिए गए हैं उन्होंने कोई भी एक सब्जैक्ट लैके तिना के मार्क्स को ऐड करके उस पर मैरिट बनेगी। तो उस मैरिट को फिर जी सा यूनिवर्सिटी अप्लाई कर लास्ट डेट है वो हैगी 30 जुलाई, तो उस तो बाद फिर 3 दिन बाद 3 अगस्त को ये जी मैरिट है डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो उस तो बाद 3 दिन होर बच्चों दिए जाएंगे कि वो अपने जिहड़े हैगी फीस भर लैन तां कि अपने दाखले सुनिश्चित कर लैन। देखो सर, साडा जिहड़ा यूनिवर्सिटी दे विच पिछले साल दे जिहड़े देखो प्लस पॉइंट्स ने जी, पिछले साल या पिछले 17 साल दा डाटा हैगा या प्लेसमेंट दा, वो तुहानूं सारा ही यूनिवर्सिटी की वैबसाइट पर बिल्कुल उपलब्ध होएगा। लास्ट ईयर भी जे तुसीं सारयां ने न्यूज़ ते देखिया होवे जां तुसीं वैबसाइट ते भी चैक कर सकते हो कि साडे कोल 100% प्लेसमेंट दा रिकॉर्ड है। 80 तो वध बच्चे तो यहोजे ने कि जिन्हां कोल 2 तो वध कंपनियां दे विच उन्हां नूं नौकरी मिल गई सी। बच्चों ये अपने कोल समझना मुश्किल हो गया सी किहड़ी कंपनी च असीं ज्वाइन करिए। तो दूजा देखो, जो अपने सुविधावां एक यूनीवर्सिटी जिहड़ा एक बहुत वड्डा अदारा है जो इस यूनीवर्सिटी च मिल सकदियां हन, मैनूं नहीं लगता कि किसी भी आम कॉलेज विच किसी बच्चे नूं प्राप्त हो सकदियां हन। यूनीवर्सिटी दे विच जो प्लेग्राउंड ने, यूनीवर्सिटी पिछले किन्ने सालों तो लगातार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी आल इंडिया यूनीवर्सिटी लैवल पर जित रही है और पहले स्थान प्राप्त कर रही है। सो जो फैसिलिटियाँ स्पोर्ट्स दियाँ, जो यूनीवर्सिटी विच लाइब्रेरी है, मैं नहीं लगता कि वो लाइब्रेरी किसी भी आम कॉलेज विच किसी बच्चे को उपलब्ध हो सकेगी। जो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम हैं, गुरु तेग बहादुर हाल है, साइंस ऑडिटोरियम है, सनी ओपरा ऑडिटोरियम है, सो ये सारिया सुविधावान ने, ये आम एक बच्चे नूं किसी भी एक आम कॉलेज नहीं मिल सकदियां। तो यूनिवर्सिटी के जिहड़ा भी साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी के साडे जिहड़े सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, सारे बच्चे के माता पिता उसनों भी चैक करन, उन्होंने सारिया ही लेटेस्ट चीज़ा कि जिवें ड्रोन मेकिंग की वर्कशॉप है, साइबर सिक्योरिटी की वर्कशॉप है, वो सारिया लेटेस्ट चीज़ा साडे सिलेबस के भी मौजूद हैं। साडा सिलेबस भी वैबसाइट उत्ते पिया है यूनिवर्सिटी की वैबसाइट पर, उत्थे जाके तुसीं पेपर चैक कर सकते हो कि वो सारिया चीज़ा
जिहड़ियां इंडस्ट्री दे नाल लिंक ने। साडा सिलेबस डायरेक्टली इंडस्ट्री दे नाल लिंक है। जो सानूं इंडस्ट्री तों फीडबैक आंदी है उहदे बेस ते असीं सिलेबस तैयार करदे हां, ता कि बच्चों जदों भी प्लेसमेंट होंदी है या इंडस्ट्री से जाके बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई दिक्कत ना हो, तो बच्चे बिल्कुल जल्दी ही एडजस्ट कर सकन। सो कोई भी संस्था ता ही तरक्की कर सकती है जो उन्हों का इंस्टीट्यूट तो इंडस्ट्री इंट्रैक्शन होएगा। ये जो इंडस्ट्री सा सीधा टाईअप हैगा, सो इस करके साडे बच्चों प्लेसमेंट के इंडस्ट्री जाके अपने आप को ढालन बिल्कुल मुश्किल नहीं आती। तो उस तो बाद को जो सब तो होर वड्डा प्लस पॉइंट है कि साडे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 38 रेगूलर फैकल्टी मैंबर हैं, जो तुम आस पास की किसी भी संस्था मैं चैलेंज करके कह सकता कि तुम इन्ने रेगूलर फैकल्टी मैंबर तो इन्ने नंबर ऑफ PhDs तो हर एक टीचर का लगभग 15 साल तो ज़्यादा का तजर्बा है। ये किसी भी संस्था च नहीं मिल सकता, वो जो किसी भी संस्था का सब तो मजबूत आधार उनकी फैकल्टी होंगे। सो मैनू लगता है कि तुहानू बिना किसी शक तो ये सारी चीज़ा मैं दस रहा, ये तुसी देखो ये गवर्नमेंट का अदारा है, तो इस ते जो चीज़ा ने वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ने, बिल्कुल वैबसाइट पर उपलब्ध ने, तुसी सारी चीज़ों वेरीफाई कर सकते हो, तो ये चैक कर सकते हो कि ये चीज़ा किस लैवल से यूनिवर्सिटियों के उपलब्ध हैं। तो मैं उम्मीद है कि तुसी सारी चीज़ा देख के अपने भविख बारे माता पिता तो बच्चे डिसाइड कर सकेंगे कि यूनिवर्सिटी के असी एडमिशन लैनी है। जी हम पिछली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इन्दे विच साडे कोल बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो असं उम्मीद करते हैं कि होर ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे इन्दे विच एडमिशन लैन के लिए उत्सुक होणगे। साडे कोल बाकी ब्रांचा ने उन्हां विच भी असं उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम बच्चे एनरोल करनगे। तो तुसीं यूनिवर्सिटी आ के जो आओगे, जो COVID-19 खुलेगा तो खुद देखोगे कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल है एक आम कॉलेज तो कितने डिफरेंट होंदा है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी से कितना निखार आता है जो बच्चा यूनिवर्सिटी के पहुँच जाता है। सो ये सारी गल्लां देखते हुए मैं आस करदा कि तुहानूं यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत पसंद आएगा। यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग का माहौल है, यूनिवर्सिटी का जो एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने, जो प्लेसमेंट ने, देखो साढ़े यूनिवर्सिटी के जो होस्टल की सुविधा हैगी है, ये सारे बच्चों की होस्टल की सुविधा हम उपलब्ध हैगी है। साढ़े को बॉयज़ से गर्ल्स के सेपरेट होस्टल हैं, तो 24 घंटे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तुम आके चैक करो कि यूनिवर्सिटी के माता पिता को सब तो ज़्यादा टेंशन होती है कि जो भी असं बच्चे आप प्लस टू तो बाद पहली बार बच्चा घरों बाहर निकलता है तो माता पिता को बच्चे की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। सो यूनिवर्सिटी के बहुत ही सिक्योर माहौल है। यूनिवर्सिटी के हर जगह से तुम सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध मिलेंगे। सो माता पिता को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जोड़ा सा बच्चा है वो बिल्कुल सुरक्षित है यूनिवर्सिटी के माहौल के। फिर यूनिवर्सिटी के जी माता पिता को होर बहुत टेंशन होती है कि जो साढ़े बच्चे को कोई छोटी मोटी बुखार हो जाता कि होर समस्या आती है तो बच्चा कितने जाएगा। सो यूनिवर्सिटी के 24 आवर अवेलेबिलिटी ऑफ हैल्थ सर्विसिज है। यूनिवर्सिटी एक हैल्थ सेंटर है जिहड़ा कि दिन रात काम करता है, रात को भी उसे स्टाफ बैठा होता है। जो किसी बच्चे को, किसी इंपलॉई को या किसी रेजिडेंट को कोई दिक्कत आती है तो किसी टाइम भी हैल्थ सेंटर जाके अपनी एमरजेंसी में उसे डील कर सकते हैं। फिर अपने को यूनिवर्सिटी के अंदर ही बैंक की सुविधा है। जो किसी बच्चे को बैंक से पैसे ट्रांजैक्शन करनी है, माता पिता ने बैंक बच्चे को पैसे भेजने हैं, सो बैंक इतने साढ़े को गोल मार्केट है, उनके ही बैंक है, उनके कैफेटेरिया है, बच्चे उत्थे जाके अपना खाना पीना भी आराम ले सकते हैं, तो बैंक के पैसे भी आराम कढ़वा सकते हैं। सो जो पैसे की चिंता है वो भी माँ बाप को इतों दूर हो जाती है कि बच्चे के कैंपस के अंदर ही एक बैंक जिसे ATM की सुविधा उपलब्ध हैगी है। फिर अपने को पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे को मिलना चाहते हैं, उन्होंने आके मतलब देखना चाहते हैं सिस्टम की हैगा, तो इतने साढ़े को एक वारिश भवन से 2 गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं ताकि माता पिता इतने रुक भी सकते हैं, बच्चे के नाल एक दूसरे को समा बिताना चाहते हैं तो इतने रुक के सारा सिस्टम को स्टडी भी कर सकते हैं। फिर अपने को देखो बच्चों के लिए असी, क्योंकि देखो जिहड़ा इंजीनियरिंग का काम है वो अल्टीमेटली जाके बच्चों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियों के जाके अपनी नौकरी करनी है, तो उन्होंने असं पहला तो ही बच्चों के बहुत सारे विद्यक टूर अरेज करते हैं ताकि बच्चे उस माहौल से पहला ही अंडरस्टैंड करते हैं कि उतों की उत्थे कि चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखो उत्थे जाके आप देखते हैं कि प्रोफेसनलिज्म है, वर्क कल्चर किदा का, सो बच्चे जो उत्थे जाते हैं मोटीवेट होंगे हैं तो उस हिसाब न अपने स्किल को भी डिवेलप कर लेंगे। तो उस तो बाद अपने को सारा कंप्यूटर साइंस है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये सारा ही वाईफाई है। ये बच्चे जो कित भी बैठ के जो बच्चे को लैपटॉप है या कोई चीज़ है तो वो उसमें बैठ के इंटरनेट एक्सैस कर सकता, वो लिमिटेड है, वो बच्चे असं
उन्ना ही एक्सैस देने जिन्ना कि बच्चे रिक्वायर्ड हैगा वो फायरवाल लगे होंगे बच्चा उही साइट चैक कर सकता है जिहड़ियां बच्चे उनकी पढ़ाई के लाहेमंद साबित होणगियां। तो जदों भी अपने कोल सारा साडा जो टीचिंग स्टाफ है तो मैं एज ए हैड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे नूं अपील करदा जिवें असीं हर टाइम इत्थे अवेलेबल हाँ जे कोई पेरेंट्स आके मिलना चाहते हैं तो साडे नाल गलबात करके जां कुछ चीज़ां देखना चाहते हैं असीं हर टाइम इत्थे ऑफिस दे विच अवेलेबल हाँ हाजिर हाँ। जिहड़े साडे बच्चे ऑलरेडी इत्थे पढ़ रहे हैं उन्होंने लिए देखो बच्चों की बड़ी क्वेरी आ रही थी कि सर क्लासा कदों तो लगनगियां सो उन्होंने भी एक सूचना है कि जी सा सैकेंड ईयर के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जी क्लासिज ने कोई 1 अगस्त तो शुरू हो जाएगियां तो जोड़े बच्चे फस्ट ईयर के नवे एडमिट होलासा जिमें यूनिवर्सिटी तो आदेश मिलने ACT तो आदेश मिलने उस हिसाब में उन्होंने क्लासा भी जल्द तो जल्द ही शुरू हो जाएगियां। सो मैं सारे माता पिता बच्चों का तो समूह समाज का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने हमेशा ही पंजाबी यूनिवर्सिटी को पहलता दिती है तो असी ये सारी इनफॉर्मेशन ता ही दस रहे हैं ताकि बच्चे चीज़ों वेरीफाई कर सकन तो माता पिता के बच्चे ये सारे चीज़ों वेरीफाई करके अपने भविख को डिसाइड कर सकन कि बच्चों किहड़ी ब्रांच के एडमिशन दवानी है ताकि जो बच्चों का शिशुपन माता पिता चिंता है दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।